अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पैरामेडिक्स करियर। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में वैकेंसीज़ हैं पैरामेडिक्स के लिए। नेम ऑफ द पोस्ट: डार्क रूम असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। यहाँ पर वैकेंसीज़ की पूरी डिटेल दी हुई है। डार्क रूम असिस्टेंट के लिए दो पोस्ट हैं, एक ओबीसी के लिए है और एक अनरिजर्व के लिए है। यहाँ पर इसका एज लिमिट है 18 ईयर टू 25 ईयर और रिलैक्सेशंस भी होते हैं इसमें, नीचे वो भी मेंशन किया हुआ है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस: 12th क्लास पास विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ओटी असिस्टेंट के लिए दो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एज क्राइटेरिया इसमें भी 18 टू 25 ईयर है। क्वालिफिकेशन है यहाँ पे 12th पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ओटी फ्रॉम 50-bedded हॉस्पिटल, यानी कि 50-bed का हॉस्पिटल चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो है 4 वैकेंसीज़ है, दो ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसमें आपको जो है 21 ईयर टू 30 ईयर्स जो है एज लिमिट है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, और आपको जो है इसी के साथ साथ डिप्लोमा है 2 ईयर कोर्स का जिसमें रेडियोलॉजी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट 1 ईयर कोर्स विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। ओटी टेक्नीशियन, इसके लिए आपको 41 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपको जो है एसटी के लिए 3 है, एससी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 17 है। इसमें आपको जो है 18 ईयर टू 25 ईयर जो है एज लिमिट है। इसमें 12th पास इन साइंस विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और 1 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ऑपरेशन थिएटर इन अ मिनिमम 50-bedded हॉस्पिटल। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इसके लिए 18 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 1 है, एससी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 4 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 है। इसमें एज क्राइटेरिया जो है वो 18 ईयर टू 27 ईयर है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th विथ साइंस सब्जेक्ट्स एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में जो है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैब साइंस है, जैसे कि BSc MLT। प्लेसमेंट की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और ऑफिशियली वेबसाइट भी इसकी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो। ये जो है अप्लीकेशन आपको ऑफलाइन भरनी है, इसमें आपको जो है स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट से आपको जो है ये पोस्ट करना है आपका एप्लीकेशन। इसकी फ़ीस जो है वो 300 रुपीज़ है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी इनके लिए जो है फ़ीस नहीं है, पर्सनल डिसेबिलिटीज़ जो है उनके लिए भी नहीं है, और एक सर्विसमैन इनके लिए भी आपको फ़ीस नहीं लगेंगी। इसके अलावा भी और भी कंडीशंस हैं, आप अप्लाई करने से पहले एक बार एडवर्टाइजमेंट को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है और आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स जो है वो फिलअप करनी है। उसी के साथ साथ आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं विद सेल्फ अटेस्टेड, और यहाँ पे जो है आपको जो फ़ीस पे करना है उसका आपको जो है पेमेंट थ्रू भरत कोर्स से करना है, जिसमें आपको प्रोसीजर भी दी हुई है। आप ये एक बार एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये एप्लीकेशन आप अप्लाई करें, और आप जो है एनवलप पे जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट नेम वहाँ पर मेंशन करना कंपलसरी होता है, तो वो भी कीजिए। थैंक यू।
थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।